हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने रेलवे पुलिस फोर्स के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 4,060 खाली पदों को भरने के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने कुछ दिनों पहले कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 4,660 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जहाँ पर सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जाम, PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए कैंडिडेट से ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। एग्जाम आपका अक्टूबर 2024 के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में कंडक्ट होने जा रहा है और आप अपना एडमिट कार्ड एग्जाम कंडक्ट होने के 5 या 7 दिन पहले डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर RPF कॉन्स्टेबल एंड SI एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ये RRBs के सभी बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप पर्टिकुलर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गाइज आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करें indianrailway.gov.in और आपके सामने भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको भारतीय रेलवे के सभी बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप जिस भी बोर्ड की अंतर्गत आपने अप्लाई किया है उस बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर RRB अजमेर की ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पर आपको न्यू जेन अपडेट सेक्शन में आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा एग्जाम कंडक्ट होने के 5 या 7 दिन पहले। एग्जाम आपका अक्टूबर 2024 माह के फर्स्ट या सेकेंड वीक में कंडक्ट होने जा रहा है, उससे 5 या 7 दिन पहले आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक इस सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी और लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जैसे कि क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किस डेट को किस वेन्यू पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो और किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो। सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंटआउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। गाइज, आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंटआउट के साथ साथ ही अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर एक वैलिड फोटो एक पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। बिना इनके एग्जामिनर आपको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना RRB, जी हाँ दोस्तों, रेलवे पुलिस फोर्स कॉन्स्टेबल और SI का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड नोटिस PDF का लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यही RRBs की वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप पर्टिकुलर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी एग्जाम की डेट चेकआउट कर सकते हो और एडमिट कार्ड आपका कब रिलीज होगा उसकी भी पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना RPF कॉन्स्टेबल और SI 4,060 खाली पदों को भरने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।